स्टार्ट करके कमेंट ऑन कर दो, चैनल ऑन करके सामने। ये देखो यहाँ से ऑन, क्या हुआ, क्या हिला है, वायर हिली, कौन सी वायर हिली, इसकी वायर हिली है, इसकी इसकी वायर हिली, ये देख यहाँ से, ये तो इसी फिट है जी, और हिली हुई क्या हिली क्या भाई मैंने सोचा मेरी किस्मत खराब है और आज दिक्कत आ गई है, पर वही बोलता है कि भैया जिसके साथ ऊपर वाला है उसके साथ सब। आइए सभी को नमस्कार, राम राम और बहुत सारा प्यार। मैं प्रिया चौधरी आपको स्वागत करती हूँ साइंस बाय प्रिया मैम यानी आपके चैनल पे। काफी लंबे समय के बाद हमारी मुलाकात हो रही है और इस मुलाकात को बहुत खास बनाते हैं। काफी बच्चों की डिमांड थी कि केमिस्ट्री स्पेशल का बैच आए, तो कल से आप लोगों को ये बैच दिखना शुरू हो जाएगा और इस बैच का जो प्राइज है वो 145 रुपये है और हमको पेन जो है क्या इसमें पेन अच्छा ये हम फुनसुक वांगड़ू का पेन ही हर बार ले जाते हैं। देखिएगा सबसे बड़ी बात तो आप लोगों को बता देती हूँ कि जो बैच है ये बहुत प्यारा बैच है आप लोगों का, 145 रुपए का ये बैच है, ठीक है, और कल से ये बैच आपको शो होना शुरू हो जाएगा और इसकी क्लासेस जो होगी वो 4 PM यानी 4 बजे होगी। तो जो बच्चे इसमें एनरोल होना चाहते हैं एनरोल हो सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और बाकी की जो बातें वो बाद में करते हैं। तो सबसे पहली बात तो आप लोग मुझे ये बताइएगा कि कितने बच्चों को राकेश पुरिया सर का बैच बहुत अच्छा लगा, मेरे हिसाब से काफी अच्छा लगा होगा। तो मात्र 99 रुपए में हम लोग लेके आए हैं आप लोगों के लिए हिस्ट्री स्पेशल। तो बहुत सारे बच्चों की डिमांड थी कि सिर्फ हमें हिस्ट्री पढ़नी है, हमें हिस्ट्री स्पेशल चाहिए, काफी कॉलिंग्स आई और उसके बाद हमने राकेश पुरिया सर का एक 99 रुपए में हिस्ट्री स्पेशल बैच निकाला जो कि सिर्फ साइंस बाय प्रिया मैम पे ही आपको मिलेगा। दूसरी बात है भाई, जिन बच्चों ने साइंस बाय प्रिया मैम एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं की डाउनलोड कर लो, क्योंकि इस पर एक तो पेड कोर्स मिलेगा आपको, फ्री क्लासेस मिलेगी, टेस्ट सीरीज अवेलेबल है भाई, करंट अफेयर अवेलेबल है, क्विज अभी स्टार्ट नहीं हुई, स्टडी मटेरियल भी अवेलेबल है और साथ ही साथ मैथ स्पेशल का बैच जो है वो भी अवेलेबल है आपका, जो कि आपको लांबा सर पढ़ा रहे हैं और लांबा सर आपकी यूट्यूब पे वैदिक मैथ्स की क्लास ले रहे हैं जिससे आपका मैथ्स जो वो बहुत ज्यादा अच्छा हो। अब बस ये कि यहाँ पे वो पोस्टर नहीं है जिससे हम बता सके, लेकिन राजेश लामा सर की 8 बजे क्लास होती है यूट्यूब पे मेरे से पहले, तो क्लास लिया करो वैदिक मैथ्स की। तो हमारे गुरुजी की क्लास है और आप हमारे गुरुजी की क्लास नहीं लोगे तो ये गलत बात हो जाएगी थोड़ी सी, ठीक है बच्चों, बोलो हाँ के ना, बोलो हाँ के ना, पता नहीं सिस्टम में क्या दिक्कत। सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने बच्चों जल्दी से बताइएगा, सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने फटाफट से बताइएगा बच्चों, जैसे बताइएगा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट इन पीरियड 6, आवर्त 6 में तत्वों की संख्या कितनी होती है, आवर्त 6 में तत्वों की संख्या कितनी होती है। तो सबसे पहली बात तो जिस जिसने बोला है कि भाई ये पीरियड 6 के बारे में बात कर रहा है, ये किसके बारे में बात कर रहा है, आवर्त के बारे में बात कर रहा है। तो आवर्त कितने होते हैं, 7 होते हैं। कितने आवर्त होते हैं, अगर आप लोगों से कोई पूछे भाई सेशन को लाइक कौन करेगा जल्दी से बताओ, अगर आप लोगों से पूछा जाए कि भाई कितने आवर्त होते हैं तो आप कितने आवर्त बताएंगे, ऑब्वियस ही बात है आप हो मैं हो और अगर आप प्रिया मैम से पढ़े हो तो आप लोग बोलोगे कि जी आवर्त जो होते हैं वो 32 होते हैं, जो कि बहुत सारे बच्चों ने आंसर 32 ही दिया है जो कि मैं देख पा रही हूं। तो इसका राइट आंसर है 32, ठीक है, पीरियड 6 में 32 आवर्त होते हैं। लेकिन अगर आप लोगों से पूछे पहले में कितने होते हैं, दूसरे में कितने होते हैं, तीसरे में कितने होते हैं तो कितने बताओगे जल्दी से बताओ। देखो पहले दूसरे तीसरे की बात करें तो यहाँ पे एक हमारे पास में बहुत ही अच्छा ऑप्शन है और वो बहुत ही अच्छा ऑप्शन क्या है, देखो मैं आपको सबसे सिंपल बात बताती हूँ। अगर आप लोगों से पूछे भाई पहले तो आवर्त कितने होते हैं, 7 होते हैं,
ठीक है। तो अगर आप लोगों से पूछें भाई पहले में, पहले पीरियड में कितने हैं, दूसरे में कितने हैं, तीसरे में कितने हैं, चौथे में कितने हैं, पांचवें कितने हैं, छठे में कितने हैं, सातवें में कितने हैं, मैडम बस ठीक है, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, मतलब आवर्त पे आवर्त, आवर्त पे आवर्त, पीरियड पे पीरियड। तो पहले के बेटा दो, दूसरे के आठ, तीसरे के आठ, चौथे के अठारह, पांचवे के अठारह, छठे के बत्तीस और सातवें के भी बत्तीस। यानी पहले पीरियड में दो दो एलिमेंट होते हैं, कौन से, एक तो हाइड्रोजन और एक हीलियम, ठीक है। फिर दूसरे में कितने होते हैं, ठीक है, हाली है ना, हाली, और इधर क्या होगा बेटा, बेरिलियम। इस तरह से पीरियड्स जो होता है ये क्या होता है बच्चों, लेफ्ट से राइट की तरफ होते हैं, ऐसे ऐसे, ठीक है। तो पहले में दूसरा, दूसरे में आठ, तीसरे में आठ, चौथे में अट्ठारह, पांचवें में अट्ठारह, छठे में बत्तीस, सातवें में बत्तीस, और क्या लोगे भाई, ठीक है। इतनी बात समझ में आई, बोलो हाँ के ना। चलो आगे अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन अगर इसी से रिलेटेड होगा तो आप लोग देख लीजिएगा। बच्चों अगर आपको मेरी बात पे विश्वास नहीं होता है, अपनी गुरु माँ की बात पे आपको विश्वास नहीं हो रहा है, आप बोलो मैडम आप झूठी हो, मैं बोलूँ मैं आपको प्रूफ करके दिखाऊं। तो इससे बोला कि भाई क्या कहते हैं छठे में कितना होगा, तो गिन लो आप छठे में, ठीक है। अब छठे में कैसे गिनोगे, छठे में कैसे गिनोगे बच्चों, अभी बताते हैं बच्चों, ये आपको बता देते हैं यहाँ पे, ठीक है। जब आप गिनती करते हो, देखो पहले में कितना है, एक और दो, तो पहले में कितने हैं, दो। छठे में प्रॉब्लम क्या है, छठे में लेंथनर और एक्टिनॉइड आता है बेटा, तो एक दो इसे छोड़ दो, ठीक है। तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह, मैडम आप झूठी हो, क्योंकि यहां से यहां तक जब हमने गिना तो ये आया सत्रह। मैंने कहा बेटा ये जो ये जो यहाँ ये जो बापू बॉक्स छोड़ के गया है मेंडलीफ, इसमें सारे के सारे लेंथनाइड एक्टिनॉइड भरे जाएंगे, तो 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, मेरे को आती है काउंटिंग, ठीक है। तो बच्चों ये जो गैप होता है, जो गोला होता है, इसके अंदर आपके लेंथनाइड होते हैं और इसके अंदर आपके एक्टिनॉइड होते हैं, तो ये यहाँ से शुरू होता है आपका 18, 19, 20, 21, 22, 23, तो इस गोले में होता है, देखो इस गोले में यहाँ गिनेंगे और इसका गोला यहाँ गिनेंगे, ठीक है। अगर आप लोगों से पूछे लेंथेनाइड और एक्टिनॉइड कौन से पीरियड में होते हैं, तो लेंथेनाइड होता है छठे में और एक्टिनॉइड होता है सातवें में। आधे से ज्यादा जनता को मेरी बात समझ में इसलिए नहीं आई होगी क्योंकि उन्होंने पीरियोडिक टेबल नहीं पढ़ रखी है। तो पीरियोडिक टेबल पढ़ने के लिए साइंस स्पेशल का बैच ज्वाइन करें, नहीं तो आप केमिस्ट्री स्पेशल का बैच ज्वाइन करें, नहीं तो आप ढंग से क्लास करें, उससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, ठीक है बेटा। इतनी बात समझ में आई, नंबर ऑफ एलिमेंट इन फिफ्थ पीरियड, बेटा इसका सेकंड में उड़ाओ, जल्दी से उड़ाओ, जल्दी से उड़ाओ। पांचवें पीरियड में कितने एलिमेंट, कितने तत्व होते हैं, मुझे जल्दी से आंसर आना चाहिए, जल्दी से आना आंसर आना चाहिए, क्वालिटी सही नहीं है, ठीक है। जैसे बताइएगा बच्चों, 32 प्रोटोन की खोज, एक तो इसमें क्या कहते हैं आपका रदरफोर्ड और गोल्डस्टीन में सबसे ज्यादा होता है, बच्चों ने बोला बी आंसर होगा, मैंने बोला बी आंसर होगा, बिना देखे मैंने बी आंसर बोल दिया। पहले में दो, दूसरे में आठ, तीसरे में आठ, चौथे में अठारह, पांचवे में अठारह, छठे में बत्तीस, सातवें में बत्तीस, तो आंसर हो गया अट्ठारह, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में क्या पूछता है, नंबर ऑफ पीरियड इन थ्री, तीसरे में कौन सा होगा, लगाओ छक्का, कितना, आठ, अठारह नहीं, अठारह नहीं, पहले में दो, दूसरे में अठारह, तीसरे में अठारह, क्लियर है। चलो आगे, अगला क्वेश्चन इसी तरह का होगा, उड़ा दो। नंबर ऑफ एलिमेंट इन फोर, कितने, दो, कितने, आठ, कितने, आठ, कितने, अठारह, बी आंसर लगा दो। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, भैया इसे खत्म कर दो, ठीक है, दो, दूसरे में कितना, तो भूल मत जाना कि दूसरे में दो होते हैं, गलत, पहले में दो, दूसरे में आठ, तो आंसर होगा आठ, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोगों का पूछा गया है, हाँ ये क्वेश्चन ठहराव वाला है, ये क्वेश्चन सुनने वाला है बच्चों। फर्स्ट एलिमेंट ऑफ एस ब्लॉक, एस ब्लॉक का पहला एलिमेंट कौन सा है, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ एस ब्लॉक, एस ब्लॉक का पहला एलिमेंट कौन सा है, जैसे बताइएगा
बच्चों एस ब्लॉक का पहला एलिमेंट कौन सा है, इनमें से बताइएगा, फटाफट से बताइएगा, जैसे बताइएगा। देखो सबसे बड़ी बात, एस ब्लॉक के दो होते हैं। एस ब्लॉक में क्या आता है बच्चों, एक तो पहला समूह आता है, पहला ग्रुप आता है, ठीक है, एक सेकंड ग्रुप आता है, ठीक है, एक सेकंड समूह आता है, आता है कि नहीं आता है। देखो बच्चों होता क्या है, जरा ध्यान से सुनिएगा, पहले समूह और दूसरे समूह की बात करें तो इसमें बच्चों है हा ली ना ने कहा रूबी सजी फिरी, ठीक है। यहां क्या बेटा, बेटा मांगे कार सुंदर या कन्या सुंदर मांगे, आजकल वैसे कन्या सुंदर नहीं कार सुंदर ज्यादा मांगते हैं, बेटा मांगे कार सुंदर, ठीक है, बापू रोए। तो बेटा मांगे कार सुंदर बापू रोए। तो अब आपसे पूछा गया है पहला एलिमेंट एस ब्लॉक का कौन सा है, तो भैया पहला ये ग्रुप है, दूसरा ये ग्रुप है, एस ब्लॉक का पहला एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट जो होगा, पहला तत्व जो होगा, या फिर पूरी पीरियोडिक टेबल का, ठीक है, पूर्ण पीरियोडिक टेबल का, पूर्ण आवर्त सारणी का, ठीक है, पूर्ण पीरियोडिक टेबल का, ठीक है, जो पहला एलिमेंट होता है बेटा वो हाइड्रोजन ही होता है, चाहे एस बोल लो चाहे पूरी पीरियोडिक टेबल बोल लो, तो सबसे पहला होगा बेटा हाइड्रोजन, ठीक है। इसका आंसर कौन सा नहीं होगा, सीरियम और टाइटेनियम और बोरोन, बेटा ये एस ब्लॉक के होते ही नहीं है, ये एस ब्लॉक के तो होते ही नहीं है। बोरोन तो बेटा पी ब्लॉक का है, बोरोन तो पी ब्लॉक का है, एस ब्लॉक का तो होता ही नहीं है। सारे बच्चे जोरदार तरीके से सेशन को लाइक एंड शेयर कीजिएगा, पूरे 21 दिन बाद आपकी मैम जो है वो वापस आई है। हीलियम जो होता है पी ब्लॉक में होता है, इंजीनियर बॉय, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, अगले क्वेश्चन में पूछा जाता है पी ब्लॉक का पहला एलिमेंट कौन सा होता है। इंतफाक की बात है कि आज 4 बजे की क्लास में पी ब्लॉक पढ़ाया है, ठीक है। देखो बच्चों पी ब्लॉक का पहला एलिमेंट कौन सा होता है, तो जो पी ब्लॉक की शुरुआत होती है वो 13वें समूह से लेके 18वें समूह में होती है, ठीक है, 18वें ग्रुप में होती है, क्लियर है। अब इसका पहला कौन सा होता है बेटा, पहला होता है सबसे पहला जो 13वां होता है, 13वां, वो क्या होता है, बैंगन, आलू, गाजर, इन थैला, बैंगन आलू गाजर इन थैला, ठीक है। तो बैंगन आलू गाजर इन थैला, तो सबसे पहला एलिमेंट जो होगा बेटा वो होता है बी, बी मतलब बोरोन। तो पी ब्लॉक का सबसे पहला एलिमेंट बोरोन होता है, हाइड्रोजन पी ब्लॉक का, टाइटेनियम नहीं, सीरियम नहीं, ये पी ब्लॉक के होते ही नहीं है, ठीक है। क्यों, क्योंकि अभी पढ़ा आपने हाइड्रोजन तो एस ब्लॉक का है, बोलो बोलो हाँ के ना। अभी तुमसे दहेज थोड़ी ना मांगा जा रहा है, तो तुमसे आवाज ना निकल रही, ठीक है, कहती बात समझ में, बोलो। देखो बेटा ये जो है ना, ये यहाँ पे ये पी ब्लॉक है आपका, ठीक है, ये यहां से लेके यहां तक का आपका पी ब्लॉक होता है, और ये यहां से लेके यहां तक का आपका एस ब्लॉक होता है, उसके बाद यहां से लेके यहां तक का आपका डी ब्लॉक होता है, और ये जो दो डिब्बे अलग से पड़े हुए हैं फालतू, तो ये एफ ब्लॉक होता है, क्लियर है बच्चों, ठीक है। बताओ बच्चों अगला क्वेश्चन है, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ डी ब्लॉक, डी ब्लॉक का पहला एलिमेंट कौन सा होता है। बेटा अगर आपने थोड़ी बहुत शर्म हो, ठीक है, या बेच खाई, तो क्वेश्चनों को ढंग से बताओ, मैं तुमसे कुछ और बात करने वाली नहीं थी। अगर तुम्हें थोड़ा बहुत भी अंदाजा है किसी भी आंसर का, तो फिर आंसर बताओ। एक ये सामने कमेंट नहीं खुल रहे मेरे को, यहाँ देखने पड़ रहे हैं, फटाफट से बताओ, जल्दी से बताइएगा, जल्दी से फटाफट से बताओ। अरे मेरे बच्चों फिजिक्स आएगी, देखो करण अर्जुन आए थे ना, तो फिजिक्स भी आएगी, टेंशन काहे ले रहे हो, ठीक है। देखो बच्चों, देखो बेटा वो उम्र नहीं रही कि अब हम किसी के साथ में, तुम बोल रहे हो आई लव यू, एज ए गुरु माँ मैंने तुम्हारा लव यू एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन ना तो वो हमारी उम्र है, और दूसरी बात है ना ही आप उस चीज़ के अभी लायक हो, अभी पढ़ाई पर ध्यान लगाओ, ठीक है। देखो बच्चों
फर्स्ट एलिमेंट की बात करें मेरे बच्चे, डी ब्लॉक होता है ना, तो डी ब्लॉक का फर्स्ट एलिमेंट क्या है बेटा, ये ऐसे करके एस ब्लॉक होता है, एक ऐसे करके डिब्बा होता है, एक ऐसे करके डिब्बा होता है। इस डिब्बा ब्लॉक का सबसे पहला एलिमेंट एससी होता है। एससी मतलब स्कैंडियम जो होता है वो इसका सबसे पहला एलिमेंट होता है। अब आप बोल रहे हो मैडम आप झूठ बोल रहे हो, मैंने बोला रुक जा बेटा रुक जा, हाइड्रोजन जो होता है वो एस ब्लॉक का होता है, ठीक है, स्कैंडियम जो होता है वो डी ब्लॉक का होता है, ठीक है, ये पी ब्लॉक हो गया, ठीक है, ये डी ब्लॉक हो गया, डी ब्लॉक टाइटेनियम है ना, डी ब्लॉक, ठीक है, और ये बच्चों आपका एफ ब्लॉक का होता है। लेकिन बच्चों यहां पे आपका क्वेश्चन एक पूछा गया था कि पहला एलिमेंट, तो पहला पूछा गया तो इसलिए ये आंसर नहीं होगा, आपका स्कैंडियम आंसर होगा। तो स्कैंडियम डी ब्लॉक का पहले एलिमेंट होता है, यानी जहां से डी ब्लॉक स्टार्ट होता है। देखो बच्चों ये देखो, ये आपका डी ब्लॉक यहां से स्टार्ट होगा, यहां से लेके यहां तक डी ब्लॉक होता है, ठीक है, ये यहां पे आपका एस ब्लॉक होता है, और ये यहां से आपका पी ब्लॉक शुरू होता है। तो हमने आधी कटी हुई ले ली है, आधी कटी हुई ले ली है, और ये जो होता है ना बच्चों, ये होता है स्कैंडियम। टीचर जितने चिल्लाते हैं ना यूट्यूब पे पीरियोडिक टेबल की क्लास लेके आ रहा हूं, वो पागल नहीं है चिल्लाते हैं भैया, एक एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ एफ ब्लॉक, एफ ब्लॉक का पहला एलिमेंट कौन सा होता है। सीरियम जो होता है वो एफ ब्लॉक से बिलोंग करता है, और एफ ब्लॉक का पहला एलिमेंट जो होता है सीरियम होता है, सीरियम जो होता है वो एफ ब्लॉक का पहला एलिमेंट होता है। अगला क्वेश्चन भैया 15,000 क्वेश्चन ऐसे ना होंगे जैसे तुम सोच रहे हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है लास्ट एलिमेंट ऑफ एस ब्लॉक, एस ब्लॉक का आखिरी एलिमेंट क्या होता है। रेडियम, पहली बात तो एस ब्लॉक पढ़ाना बहुत आसान है, क्योंकि इसके ना एक तो पहला होता है ग्रुप, एक होता है दूसरा तो हाली ना ने कहा रूबी सजी फिरी, फिर ठीक है, बेटा मांगे कार सुंदर बापू रोए, तो लास्ट एलिमेंट क्या हो गया, रोए में लास्ट एलिमेंट क्या हो गया, ये दो ही ग्रुप होता है, तो ये हो गया लास्ट और ये हो गया आपका फर्स्ट। पॉपकॉर्न की सूंघ आ रही है, तो कौन पॉपकॉर्न भाई, रेडियम, ठीक है, तो रेडियम जो होता है बच्चों इसका फर्स्ट होता है, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में क्या पूछा जाता है बेटा, व्हाट इज द यूनिट ऑफ प्लेन एंगल। बच्चों प्लेन एंगल की इकाई क्या होती है बेटा, देखो ध्यान से सुनो, आपा करवाने वाले 15,000 क्वेश्चन, और 15,000 क्वेश्चन में इजी से लेके टफ क्वेश्चन होगा, पूरा इजी से लेके टफ क्वेश्चन आप लोगों को करवाया जाएगा। जैसे बताइएगा भाई, देखिएगा 500 लाइक आप करोगे या मैं करवाऊ, बस इतना बता दो, ठीक है। विशाल जी पता नहीं, ठीक है, ए आओ फॉर हवेली, ये किसने सिखाया तुम्हें। अच्छा केमिस्ट्री में मेरा मूड ऑफ होता है कौशल राज, जितने बच्चों को केमिस्ट्री बिल्कुल भी नहीं आती, बकायदा ऐसा हो जाता है जैसे अलका वादा है, कहने का मतलब अलका का वादा है। देखो बच्चों केमिस्ट्री अगर आपको ऐसा लगती है ना, मतलब यार ये तो बावली भैंस के कान पकड़ लिए, या बावली नहीं बोल सकते ना, वो किसके कान पकड़ लिए, तो बावली बहस के सपोज करो कान पकड़े आपका, ऐसा लगता है केमिस्ट्री, तो आप ज्वाइन कर लो केमिस्ट्री का स्पेशल बैच 145 रुपीस का, पूरा केमिस्ट्री करवाएंगे और उंगलियों पे करवाएंगे। और जिनका केमिस्ट्री कहीं पे भी कंप्लीट नहीं हुआ, जो दूसरी ऐपों से परेशान है, जिन्होंने बच्चों को धोखा करके बेचा है कोर्स, नाम नहीं लूंगी, वो सारे के सारे बच्चे यहाँ पे पढ़ लो, क्योंकि मैंने 45-45, 40-40 वीडियो दिया लेकिन उन्होंने डाली नहीं है जानबूझ के, ताकि मेरा कोर्स अधूरा रह जाए और बच्चों से पैसे ले लिए। आ जाओ मेरे बच्चे, इसका जो राइट आंसर है वो रेडियन है, ठीक है, तो रेडियन इज द राइट आंसर। बाकी साइंस में प्रिया मैम एप्लीकेशन पे आपका साइंस का बैच चल रहा है, और जो जब हमारी जो पहली ऐप थी हरियाणा वाली उस पे भी चल रहा है, तो दोनों ऐपों पे बिल्कुल सही चल रहा है, कोई भी प्रॉब्लम होती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में भेज देना, ठीक है। तो रेडियन इसका राइट आंसर है, क्योंकि जूल इज द राइट आंसर ऑफ एनर्जी, एनर्जी का आंसर होता है जूल। और उसके बाद मेरे बच्चे वाट पावर का आंसर है, वाट पावर शक्ति की इकाई जो होती है मेरे बच्चे वाट होती है। डाइन की अगर हम बात करें तो बेटा फोर्स की यूनिट जो होती है वो डाइन होती है, बस डाइन, वो वाली डाइन नहीं, डाइन, ठीक है। तो मेरा फुल कोर्स मैम आपकी कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे समझ में आते हैं मेरे बच्चे, थैंक यू सो मच। बच्चों रेडियन होता क्या है, एक्चुअल में क्या होता है, जो एंगल रेडियन क्या होता है, जैसे सपोज करो कोई प्लेन एंगल है,
तो उसकी जो यूनिट होगी वो रेडियन होगी। जैसे कहीं पे एंगल बन रहा है, दो दो पॉइंट आपस में मिल रहे हैं और एक एंगल कोण बन रहा है, तो उसकी यूनिट को हम लोग रेडियन बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है भाई, ओ बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भाई। आप लोग ना सर्दियों में गीजर इस्तेमाल करते हैं, और अब की बार मुझे ऐसा लग रहा है सर्दियाँ थोड़ी जल्दी आ जाएगी, जिस तरह से गर्मी बहुत ज्यादा है। तांबे से बने गर्म पानी के गीजर की आंतरिक परत क्यों होती है, मतलब जो उसकी अंदर की जो आंतरिक परत होती है वो तांबे की क्यों बनाई जाती है? Why are the inner lining of hot geyser made up of copper? देखिए, आपने गीजर खरीदा, चलिए आपने गीजर नहीं खरीदा, गीजर आपके शादी में दहेज में आ गया, या तो आप लेके गए आपके दहेज में आया, तो एज अ साइंस स्टूडेंट आपसे पूछा जाए कि भाई इसमें कॉपर तांबे की जो कोटिंग होती है वो क्यों की जाती है, तो आप क्या कहोगे कि भाई इसलिए होती है क्योंकि ये महंगा होता है, तो मेरे ससुर जी ने ना बहुत पैसे वाले इसलिए महंगा गीजर दिया है, तो ये बिल्कुल भी आंसर नहीं है। देखिए, सबसे पहली बात कि भाई इसकी हीट की कैपेसिटी कम होती है, या भाई ये स्टीम भाप के साथ में कम प्रतिक्रिया या कम रिएक्ट करता है, या ये हीट का और इलेक्ट्रिसिटी का यानी ऊष्मा का और विद्युत का एक अच्छा कंडक्टर है, एक अच्छा चालक है, या ये सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी का है। तो सबसे पहली बात तो ये, देखिए आप जब भी कोई चीज करते हैं ना, तो उसमें चीज देखते हैं कि सबसे बेस्ट चीज कौन सी है। बेस्ट चीज क्या है कि हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है भाई। देखो, उच्च विद्युत चालकता तो तांबे की और चांदी की होती है। जो बच्चों तांबा होता है, तांबा और जो होता है चांदी, आजकल इनके रेट बहुत हाई है रे, बहुत ज्यादा जो है महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है। ठीक है, कहती बात समझ में आई? देखो बच्चों, और अगर हम बात करें कि हीट की भी, तो हीट में भी, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो बच्चों इसका राइट आंसर डी होगा। डी आंसर क्यों होगा? क्योंकि ये बेस्ट आंसर है, क्योंकि इसमें एक चीज जुड़ गई और वो जुड़ गई हीट। कहती बात समझ में आई? बोलो हाँ के ना। देखो क्या होता है, जैसे आपा कोई आंसर दे रहे हैं, मतलब ये आपा ना, मेरे दोस्त के मुंह से मेरे को चढ़ गया। मेरी एक दोस्त है हरियाणा की, वो आपा करती रहती है, उसके चक्कर में मेरे मुंह से भी आपा निकलने लग गया। ठीक है, अब देखो बच्चों क्या है कि हमारे पास चार चीजें हैं, जिसमें से दो बेकार है हमने हटा दी, लेकिन दो बहुत अच्छी है। अब उन दो में सबसे अच्छी कौन सी है? ये देखिए, आपको पता है कि तांबा जो है वो बहुत अच्छा चालक है विद्युत का, लेकिन वो साथ ही साथ इलेक्ट्रिसिटी का बहुत अच्छा कंडक्टर है, लेकिन साथ ही साथ हीट का भी है। इस क्वेश्चन को जानबूझ के बड़ा किया गया है, खाली तांबा लिख के भी क्वेश्चन को दिया जा सकता था, लेकिन तुम्हें कंफ्यूज करना है। अगला क्वेश्चन है, द स्प्रिंग कॉन्स्टेंट ऑफ अ स्प्रिंग डिपेंड्स ऑन इट। एक बच्चों, एक स्प्रिंग कॉन्स्टेंट किस पर निर्भर करता है? उसकी लंबाई पर, उसके मटेरियल पर, उसके डायमीटर पर, किस पे करता है? जल्दी से बताइएगा, फटाफट से आंसर दीजिएगा, जल्दी से बताइएगा। कल क्लास होगी, टाइम से आ जाना बच्चों, कल क्लास होगी, टाइम से आ जाना, जल्दी से बताइएगा बच्चों। आंसर गलत दे रहे हो बच्चों, आंसर गलत। मैम आप कहाँ से पढ़ाते हैं? बेटा अभी फिलहाल मैं हरियाणा से पढ़ा रही हूँ। मैम ये क्वेश्चन करने के बाद इस बिहार के एग्जाम हो जाएगा क्या? भाई देखो क्या है कि इसमें बहुत सारे इजी क्वेश्चन भी हैं, अभी बच्चों को इजी भी लग रहे होंगे, लेकिन बहुत सारे टफ क्वेश्चन भी आएंगे, तो यहाँ पे क्वेश्चंस का मिक्सचर है। देखिए, स्प्रिंग कॉन्स्टेंट की बात करें तो वो सारी चीज़ों पर निर्भर करती है। देखिए, अगर मैं डायमीटर की बात करूँ तो चौड़ाई आ गई, डायमीटर लंबाई चौड़ाई आ गई, और मटेरियल कैसा ही भी आ गया, तो लंबाई चौड़ाई सब पे निर्भर करता है। हाँ, सभी तब भी बात है, और यहाँ पे एक बात लिख तो कंफ्यूज करने की कोशिश की गई है। देखो खांसी आ रही है, बस इसी वजह से नहीं पढ़ाती ज्यादा। ठीक है, कहती बात समझ में आई, इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम है। ये क्वेश्चन देखो, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजरिंग ह्यूमिडिटी ऑफ एटमोसफेयर? वायुमंडल की आर्द्रता को बताइएगा। जितने बच्चे इस क्वेश्चन को देख रहे हैं वो मुझे बताइएगा, एनोमीटर का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? फटाफट से बताइएगा, एनोमीटर का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? भैया बताइए, 500 लाइक कौन करेगा? आज तो 500 लाइक चाहिए। एनोमीटर का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? साउंड नहीं आ रही है। वेट 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 वेट, आप कहां से पढ़ाते हैं? बेटा अभी फिलहाल मैं हरियाणा से।
अभी ठीक है बच्चों, देखो बच्चों इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा, देखो बच्चों इसका जो राइट आंसर होगा वो बैरोमीटर होगा। आपको ऐसा लग रहा होगा लेकिन ये गलत है, क्योंकि बैरोमीटर जो है वो एटमॉस्फेरिक, वो एटमॉस्फेरिक क्या मेजर करता है बच्चों, वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करता है, वो करता है वायु दाब को मेजर, ठीक है। लेकिन जो आपका हाइग्रोमीटर होता है वो वायु की आर्द्रता को, वायु की आर्द्रता को मापता है। वो क्या मापता है बच्चों, वो मापता है एटमॉस्फेरिक, वो मापता है आपका एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी को। किसको मापता है बच्चों, एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी को। आवाज अभी भी बेकार आ रही है बेटा, कृष्णा जी बोया का माइक ही ले रखा है। अगला क्वेश्चन है, फॉर प्रोपोगेशन ऑफ साउंड वेव थ्रू अ मीडियम द मीडियम शुड पॉजेस। बच्चों एक माध्यम से ध्वनि तरंगों के प्रसार के माध्यम के पास होना चाहिए, मतलब एक मीडियम से जब दूसरे मीडियम में साउंड जाए तो क्या होना चाहिए, एक मीडियम से दूसरे मीडियम के पास में साउंड जाए तो क्या होना चाहिए, बताइए जल्दी से, फटाफट से राइट आंसर दीजिएगा। इसका राइट आंसर क्या है जल्दी से बताइएगा बच्चों, इसका राइट आंसर क्या है फटाफट से बताइएगा। देखिए बहुत सारे बच्चों का आंसर आ रहा होगा, चलो ठीक है। देखिए अब क्या है कि उस चीज के अंदर जड़ता भी बहुत अच्छी होनी चाहिए, इनर्शिया जड़ता बोल लो या जड़त बोल लो, तो उस चीज के अंदर इनर्शिया भी होनी चाहिए और साथ साथ उस चीज के अंदर इलास्टिसिटी भी होनी चाहिए, लोचेदार चीज भी होनी चाहिए और इनर्शिया भी होनी चाहिए। क्या इतनी बात समझ में आई, बोलो हाँ के ना। मैम साउंड नहीं आ रही है, अभी ठीक है, अभी इट्स ओके इट्स ओके इट्स ओके, अभी ठीक है। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, हाइड्रोलिक प्रेस वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द पास्कल लॉ, ठीक है बताइए जल्दी से, हाइड्रोलिक प्रेस किसके सिद्धांत पर काम करता है, हाइड्रोलिक प्रेस किसके सिद्धांत पर काम करता है, प्रेस किसके सिद्धांत पर, अभी यार क्या कर तुम, इफ अ शिप फ्रॉम द फ्रेश वाटर इनटू सी वाटर, यदि कोई जहाज समुद्री जल से, समुद्री जल में मीठे पानी से चलता है, यानी नॉर्मल पानी मीठे पानी से चलता है, शिप फ्रॉम फ्रेश वाटर इनटू सी वाटर, यानी नॉर्मल पानी से मीठे पानी में जाता है, वो पूरी तरह से डूब जाएगा, थोड़ा सा डूब या पूरा ऊपर की तरफ जाएगा या क्या होगा, जैसे बताओ। सारे के सारे बच्चे एक काम कीजिएगा, केमिस्ट्री का एक बैच है ये, आप साइंस में प्रिया मैम एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। एक बैच है पूनिया सर का जो 99 स्पेशल पे मिलेगा, केमिस्ट्री का एक बैच है जो आप पीने की वैलिडिटी है, केमिस्ट्री खाली केमिस्ट्री है बेटा, इसी तो केमिस्ट्री का छोटा सा सब्जेक्ट
25 लेके 30 दिन के अंदर ये खत्म हो जाते हैं, 15 महीने तक आपको देते हैं। अब बाकी सब्जेक्ट में तो 6 महीने देते हैं, एक ही सब्जेक्ट आप लोगों से। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय ऑल, जय हिंद जय भारत, क्योंकि ये खड़का कर रहा है।